शुक्रिया के टू चैनल टीवी का। देखो जी तजवजा के हवाले जो दो जने तो ऑपरेशन लगे दे और उस आर्टिलरी फेडरेशन के जो सदर साहब उन्होंने भी मुदाखलत की है जिस वजह तो आरजी तौर से रोक है। हमेशा जो भी एसी साहब साढ़े आए या डीसी साहब आए या जी जिली इंतजामिया इब्तबाद भी इतनी आई है उसने हमेशा अगर तजवजात के खिलाफ ऑपरेशन किया है वो सिर्फ थड़ेबान और रेड़ीबाना के खिलाफ किया है, ठीक है। और इन्होंने ही जो स्टाफ है इन्होंने ही जो मतहत इन्हें रिलेटिड जो महकमे ने उन्होंने हमेशा ये पैसे कहन के केबल लाइन, ठीक है, लख रुपया में उस वक्त एक कैबिन बिके और दो चार पांच महीने बाद इन्हें अपनी पॉलिसी चेंज की थी और उन्होंने लोगों वाले लख रुपये का नुकसान दिता और उन्होंने कैबिन चाहे और तजवजात दोबारा कायम की गई। हमेशा तो रेड़ी बांध और थड़ा बांध के खिलाफ ऑपरेशन महकमे हमेशा तो करते रहे और मंत्रियों भी यही वसूल करते रहे। जिस वक्त कोई अफसर दूसरा चेंज हो जुलता है तो इन्हों की पॉलिसी चेंज हो जुलती फिर वो थड़े पढ़ो नवे सिरों पैसे दो और नवे सिरों नवे लोगों वहां कैंके आओ। और इब्तबाद की जी इंतजामिया है इसने हमेशा जोड़ा वो मजलूम से आचा है, गरीब रेड़ी बांधते गरीब थड़े बांधते इन्होंने आचा है और उन्होंने जो लख रुपये के नुकसान ने उन्होंने केबन उन्होंने जो शाही खुरदनोश ने या जी दीगर जीजा उन्होंने आई चाह के इन्होंने जबत की और कह गए और उन्होंने इस चीज़ को महरूम किया गया। मगर सवाल यह पैदा होता है कि पुख्ता जी तजवजात उन्होंने हाथ कौन पास, ठीक है। पुख्ता तजवजात ना सिर्फ जो उसामा वड़ाई साहब है अल्लाह मफरत उन्होंने करे उन्होंने अलावा इस तो उन्होंने बाद इस तरह का कोई एसी डीसी इब्तबाद भी इस तरह की इंतजामिया का कोई अफसर नहीं आ गया अहलियत रखता हो कि पुख्ता तजवजात हाथ पाया जुले। पुख्ता तजवजात एक माफिया है और इस माफिया तले जो बिल्कुल सिरनगू के बैठे थे और क्योंकि इन्हें उन्होंने छेड़ने की जरूरत ही नहीं इन्होंने अपने वो लोग बैठे थे, ठीक है। इतने बड़ी बिल्डिंगा चल गई और इतने प्लाजे बने दे इन्होंने बस की गल नहीं, ठीक है। और मंथलियां आंदियां अपने जेड़ा अफसर भी आंदा है बाद उन्होंने सोने की छिड़ी है, ठीक है। जेड़ा अफसर आंदा है वो खाली हाथ आंदा है और जो जुड़ते हैं ट्रकन के हिसाब नाल इन्हां दा सारा समान जुड़ता है और सारिया चीजा इन्हें जुड़दियां अपने जेबे भर के जुड़ते हैं, ठीक है। और अवाम इब्तबाद ही अवाम जी है या इब्तबाद जो ताजर ने या इब्तबाद थड़ा फरोश ने रेड़ी बान ने इंताई जी गुरबत की जिंदगी पर गुजारते और इस महंगाई बेच इस बेरोजगारी के आलम बेच अगर मजीद इन्हें वा तंग किया जूसी तो ये जराइम और मनशियात फरोशियां फरोग मिल सी ना के सा जो मददार हो सन ये खुद थड़े लुआ दे खुद पैसे कहें और खुद जिस वे कोई दूसरा अफसर आंदा अपनी पॉलिसियां चेंज करके और दोबारा तो थड़े दिलवा दें। इन अफसरान का भी आखना है कि जोड़ा ये ऑर्डर है हाईकोर्ट की तरफों आए है और जी पुख्ता तजावजात उस पर भी अमल उसी आया कि तुम समझते हो कि जो पुख्ता तजावजात उन्होंने भी ये कोई जरा कार्रवाई कर सुन। देखो जी मैं तो सब पहले गल आखी इमरान भाई कि पुख्ता तजावजात है इन्होंने बस में ही नहीं गल इन्होंने बस में ही नहीं है गल कि इब्तबाद के कोई डीसी साहिबान इब्तबाद के कोई एसी साहिबान जड़े ये मैं आखना यह सिर्फ मजलूम के पैर रखने से तैयार होन इन्हों का स्टाफ किसी गरीब आदमी उत्ते किसी थले बांधते जो रेहड़ी रख के बैठता है जो कोई टमाटर प्याज ला के बैठता है इन्होंने बस उस तक चल लगता है, ठीक है। और वह भी इन्होंने विली भुगत न बैठे हैं अगर वो कोई बैठा था किसी चौक चुराए पर एक कल परसों जो लोगों का ऑपरेशन होया अज वो लोग फिर उस जगह पर बैठे थे, ठीक है। इब्तबाद खा कोई गली चा किनो का कोई मला चा किनो बेशक वो कैंट कैंट का एरिया क्यों ना आए खा वो टीएमए का एरिया क्यों ना आए ये इन्हों की मिली भुगत बैठे तो होंगे ये जेबे भर के इतने जुलते हैं इन्हों जुमरात जुलती है लोगों की मंथली जुलती है ना मैं भी नहीं पता था अगली जुमरात को अफसर आज उसी इस करके इन्होंने जुमरात मंगाई थी इन्हों मंथलियां जुलदियां और मैं नहीं लगता मैं ना समझता कि पुख्ता तजावजात से यह इब्तबाद की जी टीम है ये उन्होंने हाथ पावे बहुत मुश्किल लगता है ये नामुमकिन गल है कि इब्तबाद के जी पुख्ता तजावजात जेड़े उसामा साहब तो बाद किसी आदमी की हिम्मत नहीं कोई अफसर इस तरह से नहीं देखने में आया कि जो इस तरह का यह काम कर सी मन लगता भी नहीं बिल्कुल मैं बरमला यह गल आखने से तैयार हाँ कि पुख्ता तजवजात के हाथ पाना इब्तबाद इंतजामिया के वास्ते गल नहीं सर। इंतजामिया की तरफों जो ऑपरेशन किया गया वे तजावजात के खिलाफ इस बारे में तुम्हारा क्या आखना जो ऑपरेशन इंतजामिया सुन किया गरीब तबके से ही किया मेरे हिसाब से पूरे बाजार के अंदर तुम फिर के देखो तकरीबन जितने लोग भी मुतासर हुए रेहड़िया वाले टोकर वाले जो मिसाल के तौर पर सुबह लाते शामिया जाके घर जुलते रहते रोड से साफ होते होंगे अगर धड़िया मिसाल के तौर पर तजवजात नजर आदि बिल्कुल भी आखना नजर आंदियां लेकिन अगर रातियां देखा जाए 10 बजे तो बाद रोड से नजर आते ही नहीं रेहड़िया वाले टोकर वाले रोड बिल्कुल साफ होता होंगे कोई तजवजात नहीं होती अगर है भी है मिसाल के तौर पर दो घंटे चार घंटे पांच घंटे लोग लाने
ला के अपना सौदा बेच के अपने घर टुर जुलते हैं। लेकिन इस दौरान ये जरा पूरा एक हफ्ता गुजर है, इस बीच ईदगाह रोड, एम्पायर रोड, परे जुलते रहो जी, फरा चौक, लैंक रोड, इतने आए आन के जो कुछ उन्होंने टा लगे, टोकरा मिले, रेड़ी मिली है, चाह के कहन गए किसी भी नहीं माफ किया। ने फिर मजे की गल हो रही, तीन दिन इन्हें ऑपरेशन किया शहर के अंदर, मीडिया भी देखा है, रिकॉर्डिंगा भी हुई उस मेरे हिसाब से, इतने लैंक रोड उ भी होया काफी सारा समान, तो लोग गए समान गिनने वास्ते उ मेरे दफ्तर में जरा सा समान आता ने असा कुछ समान गायब है, समान है ही नहीं, बदले में उल्टा वो ये लोग आते हैं इंतजामिया के लोग टीएमए के अहलकार बड़े जो अफसरान हैं तो सारा माल जो अलबत् यतीमखाने पर भेज छोड़ा है और बाकी जो रहा है तो उसका कोई पता ही नहीं वो गुजर गया ठीक ठाक, लखा रुपये का माल है, कोई निकी जी चीजा नहीं है, काफी सारी चीजा ही है, एक रेहड़ी है कितने की है, एक आम बंद पुछ के लो 10 से 15 हज़ार रुपये की रेहड़ी है, इंतजामिया चाह के कहनी है मोड़ के रेहड़ी नहीं मिली, रेहड़ी गायब हो गई है, कट छोड़ी है, पंच छोड़िए, जो कुछ भी किया 15 हज़ार रुपया उस गरीब आदमी का चला गया। अरे वो 15 हज़ार रुपया किस तरह कमाता है, देखा जो लेते किस तरह जमा हो सन 15 हज़ार रुपया बहुत बड़ी चीज है, 15 हज़ार रुपया इस महंगाई के दौर के अंदर 500 रुपया रोज की बचत करो जी, 15 हज़ार रुपये इससे पूरा महीना कुर्बानी दो ताकि 15 हज़ार रुपये जमा हो सी, पर रेहड़ी गायब हो गई है, वो किसी की सब्जी गई है, किसी का फ्रूट गया है, किसी का समान गया, दुकाना के अंदर बढ़ के भी ना सुन पास दुकाना पिछले भी चीजा चाहिए, लोगों खुद देखा कुछ भी नहीं मिले, सारा कुछ गायब हो ਅਸਤੇ ਬਰਕਸ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜੁਲੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।